गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। एंड यस्टरडे वी हैव डन एक्सरसाइज 14, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 वी हैव डन। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 4। विजय हैज मेड अ रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस। यस, देखिए हमने पेरीमीटर तो हमें समझ में आ गया था, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया क्या होता है, एरिया के बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एरिया की करेंगे हम। जैसे आपका ये बोर्ड है, इसमें मैंने अपना ये हैंड रख दिया, तो इस हैंड ने जो स्पेस कवर किया तो वो इसका हैंड का क्या हुआ, वो एरिया हुआ। क्या हुआ, एरिया। ये जो पार्ट जो हुआ ये क्या कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा। बस यही चीज इसमें बताई गई है। और अब हम इसमें करेंगे, विजय हैज मेड अ रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस। कैन यू इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस फिगर लाइक दिस एंड द पेरीमीटर एंड एरिया बी इक्वल। इसमें आपकी ये दिया गया है, इस तरह से आपकी इसमें बुक में फिगर दिया हुआ है, इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, और इन ब्लॉक्स का यूज करके आपकी इसमें रेक्टेंगल बनाया हुआ है। इनका 3 ब्लॉक्स तो इधर से लिए हुए हैं और 5 ब्लॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5। जस्ट वेट, ये इसको यहां से हम ले लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर रही हूं मैं इसको, ये और ये आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल है। और इसमें जो वन ब्लॉक जो है ये कितना 1 सेंटीमीटर को शो कर रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, और ब्रेथ क्या है इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3, ये है आपका। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। इस रेक्टेंगल जो दिया हुआ है इसका आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो यानी ये कौन सा शेप बनी है, रेक्टेंगल। तो हमें इसमें क्वेश्चन 4 जो है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला मालूम है आपको, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, मालूम है ना। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है इसमें 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, 8 टू 16 सेंटीमीटर, ये क्या हुआ इसका पेरीमीटर। अब हम करेंगे एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये आपको फार्मूला याद रखना है पेरीमीटर का भी और एरिया का। एरिया अब इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसमें जो भी यूनिट दी होती है उसको स्क्वायर किया जाएगा, मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो ये इसकी यूनिट्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जितने टाइम्स ये 2 बार हैं तो ये 2 टाइम्स, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या है, अ रेक्टेंगल फील्ड इज 25 मीटर लेंथ एंड 30 मीटर इज इन ब्रेथ, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। क्वेश्चन 5 जो आपका, इसको तो क्लीन करते हैं फिर करते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन फाइव है आपका। क्वेश्चन फाइव में रेक्टेंगल फील्ड है, उसकी लेंथ क्या है? लेंथ है 25 मीटर एंड ब्रेथ 30 मीटर। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या है आपको इससे पता चल रहा है? ये लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट है, यानी फील्ड का शेप कौन सी हुई? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का फार्मूला क्या हुआ? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है इसमें 25 मीटर, ब्रेथ क्या है 30 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0, ये 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे क्वेश्चन 6। अ टॉवल इन रेक्टेंगुलर शेप इज 125 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ एंड 60 सेंटीमीटर ऑफ ब्रेथ। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द टॉवल? टॉवल का आपको पैरामीटर फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन 6, लेंथ ऑफ टॉवल लेंथ ऑफ टॉवल, ब्रेथ ऑफ टॉवल लेंथ क्या है टॉवल की? 125 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ क्या है 60 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसका पैरिमीटर फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन है पैरिमीटर का फार्मूला क्या होता है और एरिया का फार्मूला क्या होता है, पैरिमीटर का फार्मूला क्या होता है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो अब आपको पैरिमीटर क्या है, तो पैरिमीटर ऑफ टॉवल, टॉवल यानी रेक्टेंगल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 125 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ क्या है 60 सेंटीमीटर, इसको ऐड कीजिए क्या आएगा 185। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 2 5 10, 1 कैरी ओवर, 2 16 17, 1 कैरी ओवर 370 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 6 तक आपके हो गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन एंड योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन 4 5 6। आज आप इतना ही करेंगे, बाकी आप कोशिश करिएगा आगे जो क्वेश्चंस है उसको रीड करिएगा, कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको करवाऊंगी, है ना। क्वेश्चन 4 5 6 ऑफ चैप्टर 14 इन नोटबुक, आप नोटबुक में ये कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।